लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ जो दो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें डिस्कस हमने किया था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं जो कि ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जबकि कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से हैं ऐसे हैं जो कि पढ़े जाते हैं और आपको पता होने चाहिए लेकिन उनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं, उनमें से एक दूसरी किस्म का है और एक पहली किस्म का है। तो जो हमने पहले देखना है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है और किस वजह से है, मकसद उसका होना चाहिए, लेकिन खुद आप उसको नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड आइडिया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने आज देखना है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगेन इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना। ठीक है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है सीधा सा है, इसको पहले देख लेते हैं एक नज़र, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने अगर अभी तक नहीं याद तो अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखते हैं तो नीचे एक स्टेटमेंट हम अभी तक लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और अभी तक हमने ये बात नहीं की थी कि है क्या चीज़। ये मैंने इंट्रोड्यूस भी किया था तो मैंने कहा था फिलहाल इसको रख लें, और एक शॉर्टकट है सी आउट के साथ, हमें एसटीडी कोलन कोलन नहीं लिखना पड़ता, उसके हिसाब से हम लोगों ने चीज़ देखी थी। आज हम इसको थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली है क्या, यूजिंग नेम स्पेस का क्या मतलब है, ये एसटीडी क्या है, ये चीज़ हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई क्या करना चाह रहे हैं। ये बताया था आपको कि अगर तो आप लोगों ने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा तो यू विल हैव टू राइट एसटीडी कोलन कोलन ओवर हियर। ठीक है, अब कोलन कोलन आपको पता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जिससे पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड जो है एसटीडी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ स्कोप, कोई एक डब्बा होगा और उसके अंदर ये आपके पास सी आउट या एंड एल जो है वो पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो वो किस किस्म का डब्बा है, बहुत सारे किस्म के डब्बे हम लोगों ने देखे हुए हैं, फंक्शंस देखे हुए हैं, क्लासेस अब देख ली हमने, हम लोगों ने पाइथन में पैकेजेस देखे थे, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो उस तरीके से ये भी एक डब्बा है जिसके अंदर आपके पास कोई कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ क्लासेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है एसेंशली ग्लोबल स्कोप से। ठीक है जी, और ग्लोबल का लफ्ज़ जैसा कि आप लोगों को मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, ये तो बहुत दफ़ा मैं कह भी चुका हूँ आप लोगों को, कुछ थोड़ा सा उसका हमने पाइथन में भी डिस्कस किया था कि वाई आर दे नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज दे ब्रेक एब्स्ट्रैक्शन, आपका फंक्शन जो है अपने बॉडी के बाहर से किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है अपने बिहेवियर के लिए, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया एब्स्ट्रैक्शन के लिए। इन एनी केस ग्लोबल स्कोप एग्जिस्ट तो करता है, और अगर तो लोग उसको ग्लोबल स्कोप को इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कुछ मसले भी आएंगे। ठीक है, तो उन मसाइल को हल करने के लिए हमने एक इलाज निकाला है, तो पहले मसला देखते हैं और फिर उसके बाद इलाज को देखते हैं। तो द प्रॉब्लम इज के लेट से आपके पास यही सी आउट है, इसको आप ले लें, तो सी आउट एक बंदे ने कोई प्रोग्राम लिखा और उसने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया लेकिन चलो बना दिया उन्होंने, कि इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम है सी आउट, COUT। ठीक है, सो दिस स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। ठीक है जी, ये हो गया। एक और बंदा आया कुछ टाइम बाद, वो भी एक कोई प्रोग्राम वगैरह बना रहा था और दोनों अकलमंद एक जगह पे जमा हुए हुए थे, तो इसने भी एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, उसका नाम ये रखना चाहता है सी आउट। ठीक है जी, लेकिन उससे उसकी मुराद है लेट से कैप्टन ऑफ दी मानो सीरियसली समथिंग जो भी है, दिमाग नहीं काम, राइट, सो इट्स सम अदर वेरिएबल या यूनिवर्सिटी टीम, कैप्टन ऑफ यूनिवर्सिटी टीम, चलो दैट वर्क्स। एनीवे, सो नाउ दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, देर बोथ ग्लोबल वेरिएबल्स, और मसला ये है कि इन दोनों के सेमेंटिक्स बिल्कुल फर्क है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, बात समझ आ रही है? तो दी सेम थिंग जो अकलमंद काम होता वो ये होता कि भाई मत बनाओ। ठीक है, बट सी प्लस प्लस तो डिसाइड ये किया गया कि हम इस तरह करते हैं कि इनको इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन वन ग्लोबल स्कोप, एक बड़े ग्लोबल स्कोप में रखने की जगह पे वी क्रिएट स्मॉलर सब ग्लोबल स्कोप्स। ठीक है, एक ग्लोबल स्कोप पूरा स्कोप है जिसके अंदर सब कुछ चीजें विजिबल हैं, सो लेट से वी क्रिएट सम स्मॉलर बॉक्सेस इन दिस बिग ग्लोबल स्कोप एंड लेट्स कॉल दिस फर्स्ट वन एसटीडी एंड द अदर वन वी कॉल स्पोर्ट्स। ठीक है जी, सो नाउ दिस गोज इन टू एसटीडी, सो वी से एसटीडी कोलन कोलन सी आउट एंड स्पोर्ट्स कोलन कोलन सी आउट, नाउ दे आर डिसएम्बिग्यूएटेड। अब ये इसमें कोई मसला नहीं है कि किसकी बात हो रही है, अगर आपने कहा कि एसटीडी कोलन कोलन सी आउट तो उससे आपकी मुराद है कंसोल आउटपुट, अगर आप लोगों ने स्पोर्ट्स कोलन कोलन सी आउट का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पीछे आपने स्पोर्ट्स देखा है तो देन यू मीन दिस कैप्टन गाय। ठीक है, आपके पास मसला क्या था कि सी आउट के अंदर एम्बिग्विटी थी कि सी आउट से क्या मुराद है,
तो आपने ये कहा कि इसको हम दो सब स्कोप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम कहेंगे दोनों ग्लोबल ही होंगे लेकिन एक को हम कहेंगे कि ये एसटीडी है स्टैंडर्ड है और एक को हम कहेंगे कि ये स्पोर्ट्स है. नाउ व्हेनेवर समबडी वांट्स टू यूज सी आउट दे हैव टू स्पेसिफाई कि कौन से सी आउट की बात हो रही है. ठीक है, बात समझ आ रही है, कौन से सी आउट की आप बात कर रहे हैं, आप ये वाला कहना चाह रहे हैं या ये वाला कहना चाह रहे हैं. नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई इट. सर तो दूसरे वाले को करने की जरूरत क्या थी, मतलब अगर पहले वाले को हमने कर दिया तो. राइट राइट अग्री, मेरे पास कोई जवाब नहीं है. जैसे इफ समबडी डज दिस देन वी नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन. द प्रॉपर सॉल्यूशन वुड हैव बीन टू नॉट अलाउ दिस एट ऑल बट द लैंग्वेज अलाउज इट सो नाउ यू हैव टू डिसएम्बिगुएट इट. ठीक है, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप दोनों में से कौन सी मुराद है. यहां तक बात सही होगी जी? ठीक है, तो दैट इज एसेंशियली ऑल वी आर डूइंग. तो ये जो हमने कहा ना कि सब स्कोप्स आपके पास बनते हैं, दिस सब स्कोप इज कॉल्ड ए नेम स्पेस. ठीक है, इट्स अ स्पेस, एक जगह है जिसके अंदर नाम जमा किए जाते हैं. ठीक है, इट्स अ नेम स्पेस, अ स्पेस ऑफ नेम्स. नेम से क्या मुराद है, आपके पास वेरिएबल के नाम हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, फंक्शन हो सकती हैं, एनीथिंग दैट यू कैन नेम दैट कैन गो इन टू अ नेम स्पेस. ठीक है जी, तो दिस एस टी डी इज अ नेम स्पेस एंड दिस स्पोर्ट्स इज ए सेपरेट नेम स्पेस. सो नाउ यू हैव टू नेम स्पेसेस. ठीक है, तो अब जब आपने नेम स्पेस के अंदर कोई चीज बना दी है तो वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज इट यू हैव टू गो थ्रू द नेम स्पेस. जिस तरह आपने क्लास के अंदर कोई चीज बना दी, इफ यू वॉन्ट टू यूज इट स्टैटिक वेरिएबल्स जिस तरीके से हमने क्लास में बनाए थे, इफ यू वॉन्ट टू यूज दैट यू हैव टू गो थ्रू द क्लास. जब आपने नेम स्पेस बना दी, इफ यू वॉन्ट टू यूज दैट नेम विद इन दैट नेम स्पेस तो यू हैव टू गो थ्रू द नेम स्पेस. ठीक है, तो जब आप लोगों ने सी जब बनाई गई थी तो सी प्लस प्लस, तो उन्होंने ये आयो स्ट्रीम जो बनाया है, कुछ लोग पूछते भी हैं कि आयो स्ट्रीम डॉट एच और आयो स्ट्रीम के अंदर क्या फर्क है, तो ये एक माइनर फर्क ये भी है बीच में कि आयो स्ट्रीम जब बनाई गई है लाइब्रेरी तो उसके अंदर एवरीथिंग हैज गॉन इनटू दिस स्टैंडर्ड नेम स्पेस. सिंटेक्स अभी दिखा देता हूं, लेकिन आपके पास एक नेम स्पेस बनाई गई और जितने सी आउट ये एंड एल वगैरह वगैरह ये सारी चीजें उन्होंने उस एक नेम स्पेस के अंदर डाल दी ताकि अगर कल को कोई और आके इन नामों को इस्तेमाल करना चाहे तो वो अपनी नेम स्पेस बना के यूज कर सके. ठीक हो गया जी? नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि सी आउट किसी और को एटलीस्ट नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि सबको पता है कि सी प्लस प्लस में सी आउट का एक खास मकसद है, तो यू शुडंट राइट इट, बट दैट्स अ सेपरेट इशू. इफ समबडी डज राइट इट तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई यहाँ पे. ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? सो एसेंशियली दिस इज फॉर अलाउइंग पीपल टू नेम डिफरेंट थिंग्स द सेम. जिस तरह हम कहते हैं ना फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हर बंदा एक्स रख सकता है. क्यों रख सकता है? क्योंकि वो डब्बे के अंदर बंद है. ठीक है, हर बंदा वैल अपना नाम रख सकता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि आप वैल नाम मत रखो, नम मत रखो, एन मत रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अपने अपने स्कोप के अंदर बंद है. हर एक की अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं. इस तरीके से दिस इज एन आर्टिफिशियल बाउंड्री दैट वी क्रिएटेड टू डिसएम्बिगुएट द ग्लोबल नेम्स. ठीक है जी, इसकी अपनी बाउंड्री अभी दिखा देता हूँ कोड के अंदर शक्ल में. इसकी बाउंड्री नेम स्पेस के अंदर ही है. नेम स्पेस आप एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है, उसको अपने सिंटेक्स से बता देता हूँ. जिस तरह क्लास का अपना एक डब्बा बनता है उस तरीके से इसका अपना एक डब्बा बनेगा और स्कोप इज लिमिटेड टू दैट थिंग ओनली. ठीक है जी, तो सर जो हमने सी आउट सेकंड वाला भी यूज जी करना जी हमारे साथ मेंशन करना पड़ेगा, वो भी सिंटेक्स बताता हूँ. ठीक है सर, सब स्कोप मतलब नेम स्पेस सब स्कोप जी, ग्लोबल जो स्कोप होता है आपके पास उसके अंदर छोटे छोटे स्कोप्स जब आप बनाते हैं तो उसको सब स्कोप्स के छोटे स्कोप उसको नेम स्पेस कहते हैं. ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन उधर कोड में लिखी हुई भी दिखा देता हूँ. ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड द आइडिया, डेफिनेशन का रखो मसला नहीं. सही हो गया तक जी? सो नाउ व्हेन यू वांट टू यूज सी आउट यू हैव टू से एसटीडी कोलन कोलन सी आउट. सही है, ये बात हमने जब पहली दफा सी प्लस प्लस की बात की थी तो ये हमने कहा था कि यू हैव टू राइट एसटीडी कोलन कोलन सी आउट. वो क्यों उस वक्त छोड़ दिया था, क्यों अभी हो गया, क्यों? क्योंकि एक नेम स्पेस के अंदर है. अब मसला है कि हर वक्त ये बात एसटीडी कोलन कोलन लिखना मुश्किल हो जाता है, तो जो नेम स्पेस आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है, ठीक है, वो नेम स्पेस आप ऊपर आके या कहीं पर भी लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस और आगे नेम स्पेस का नाम दे देते हैं, तो वेन एवर देर इज सम एम्बिग्विटी तो कंपाइलर समझ जाता है कि भाई इस नेम स्पेस की बात हो रही है. जब एम्बिग्विटी नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन जब एम्बिग्विटी आएगी तो ये समझ जाएगा कि आप इस नेम स्पेस की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई जी? तो सी आउट अब हम बगैर नेम स्पेस के नाम के क्यों इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी कोलन कोलन सॉरी यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिख दिया था, तो अब एस टी डी कोलन कोलन हमें लिखने की जरूरत नीचे नहीं है. ठीक है जी, सही हो गया जी? यहाँ तक बात की, इसका सिंटेक्स थोड़ा देख लेते हैं, ये बस इतनी सी बात है. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि यू शुड बी अवेयर ऑफ वॉट नेम स्पेसेस आर, उनकी क्या वजह है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग का क्या मतलब है, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस. लेकिन आपके पास मॉडर्न लैंग्वेजेस जो आपको मिलेंगी उनमें से अक्सर या नेम स्पेसिस को सिरे से इस्तेमाल ही नहीं करती. जाओ में तो है ही नहीं सिरे से, पाइथन में है ही नहीं सिरे से, डॉट नेट की कुछ लैंग्वेजेस में है लेकिन उनके सेमेंटिक्स फिर फर्क है. तो ये चीज़ जो कि सी प्लस प्लस की नेम स्पेस है दिस इज रेयरली यूज. ग्लोबल स्कोप के सब स्कोप्स इट्स रेयरली यूज बिकॉज इट मेक्स नो सेंस. सीधी बात है, ठीक है, आपने कोई चीज़ करनी थी बस क्लास के अंदर डालें फिर उसको,
नेम स्पेस किस लिए अलग से? यू ऑलरेडी हैव अ बॉक्स जो कि ग्लोबल का सब स्कोप डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लास, जस्ट यूज दैट. ठीक है जी, तो नेम स्पेसिस इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है डॉट नेट की साइड में है, और हार्डली कोई लैंग्वेज मेरी नज़र से कोई और लैंग्वेज नहीं गुजरी जो कि नेम स्पेस इस्तेमाल करती है. डॉट नेट में है लेकिन उनके सेमेंटिक्स थोड़े से फर्क है. ठीक है, सो दैट्स इट. ये आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए. ग्लोबल स्कोप, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आप एक ही नाम से रखना चाहते हैं, दैट क्रिएट्स एम्बिगुइटी. एम्बिगुइटी अगर रिमूव करने के लिए यू क्रिएट स्मॉलर स्कोप्स विच आर कॉल्ड नेम स्पेसिस. सिंटेक्स अभी देख लेते हैं. सही हो गया जी? ओके, सो देयर यू गो. हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नीचे नहीं लिखा है. ठीक है जी, इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए. सो इसको भी छोड़ दें. अब यहाँ पे मैं गया तो आई हैव टू राइट एसटीडी :: सी आउट. ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यूजिंग नेम स्पेसेस मैंने नहीं लिखा था. नाउ इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंट नेम स्पेस, सो आई से नेम स्पेस, ये कीवर्ड है और आगे नेम स्पेस का नाम. सो वी कुड हैव हैड स्पोर्ट्स हेयर, इसका नेम स्पेस का नाम है फर्स्ट. ठीक है, इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल बनाया. इसके अंदर ये जो स्कोप आपके पास डिफाइन हुआ है ब्रेसेस के दरमियान में, इसके अंदर आप फंक्शंस भी बना सकते हैं, क्लासेस भी बना सकते हैं, वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, वॉट एवर यू डू इन द ग्लोबल स्कोप आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है जी, सारे काम, लेकिन वो बस इस नेम स्पेस के अंदर जाएंगे. देन यू हैव अनदर नेम स्पेस विच इज कॉल्ड सेकंड. सो व्हेन यू गो ओवर हियर नाउ यू कैन यूज फर्स्ट वेरिएबल एज फर्स्ट कोलन वार एंड सेकंड एज सेकंड कोलन वार. ठीक है जी, स्कोप रेजोल्यूशन से पहले नेम स्पेस का नाम आ जाएगा और उसके बाद वो राइट. सो फर्स्ट के अंदर वही वार है, उसकी वैल्यू 5 है, और सेकंड के अंदर वही वार है, नाम वही है, लेकिन दे आर एसेंशियली डिफरेंट वेरिएबल्स. सही है, उसी तरीके से नेम स्पेस का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन दी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, जो भी चीज आप उसके अंदर करना चाहते हैं उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, एसटीडी की जगह पे वो आ जाएगा. राइट, अब अगर हमने इसका शॉर्टकट बनाना है तो वी कैन से यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट. सो वंस यू डू दैट यू डोंट हैव टू राइट फर्स्ट :: वार, यू कैन सिंपली से वार, एंड दैट प्रोड्यूसेस द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट बिकॉज यू पुट यूजिंग नेम स्पेस. और ये आप देख लें कि ये यूजिंग नेम स्पेस हमने फंक्शन के अंदर डाला हुआ है. ठीक है, इट डजंट मैटर कि यूजिंग नेम स्पेस आपने कहाँ डालना है, इसको एग्जैक्टली आप ऊपर भी डाल सकते हैं जहाँ पे एटलीस्ट आपने नेम स्पेस डिफाइन की हो. यू कैन पुट इट इन द वेरिएबल, यू कैन रीडिफाइन इट, थोड़ा सा नीचे जाके कहें कि आप यूजिंग नेम स्पेस सेकंड कर दो, इट डजंट मैटर. सारे के सारे वो उस पर सिर्फ वो इतनी जगह पे करेगा फिर अपने स्कोप के अंदर रहते हुए. ठीक हो गया, यहाँ तक सही है जी? वहाँ आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इस लाइन तक आते आते कंपाइलर को फर्स्ट नामी नेम स्पेस सिरे से पता ही नहीं है, तो दैट विल बी एन एरर. हाँ, इसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं, एटलीस्ट इट शुड बी डिफाइंड. यहाँ पे आप यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाय द टाइम कंपाइलर रीचेज लाइन नंबर 2, इट डज नॉट नो वॉट नेम स्पेस फर्स्ट इज, दैट इज डिफाइंड आफ्टरवर्ड्स लाइन 4 पे. तो लाइन 2 पे आप इसको यूजिंग नहीं कर सकते. ठीक है, बट जनरली वैन यू वॉन्ट टू डू दिस, फर्स्ट यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस, एंड वैन यू डू वॉन्ट टू डू इट यू हैव टू पुट इट इन अ डिफरेंट फाइल एंड देन यू इंक्लूड दैट फाइल. कंपाइलर ऊपर से नीचे रीड करना शुरू करता है ना, मेरी मैंने कभी करके देखा नहीं है, यूजलेस, लेकिन करके देख लें, मोस्ट लाइकली इट शुड गिव एन एरर, पता नहीं चलता कुछ. राइट, सो द प्रॉपर डेफिनेशन इज नेम स्पेसेस अलाउ अस टू क्रिएट सब स्कोप्स विद इन द ग्लोबल स्कोप. सो सेम थिंग. ओके राइट, सो यू कैन ऑल्सो से यूजिंग नेम स्पेस सेकेंड, सो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ. राइट, ये दोनों काम आप कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें मसला ये आएगा कि अब आप जाके अगर यहाँ पे वार लिखेंगे सेकेंड के आगे से भी ये चीज़ आप हटा देंगे तो नाउ वार इज एम्बिगुअस, सो यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, जब दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है ना तो दोनों फिर नहीं डाल सकते. हाँ, चूंकि एसटीडी के साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो नाउ यू कैन डू दिस, दिस इज फाइन, क्योंकि सी आउट आ जाएगा उस नेम स्पेस में से और वार आ जाएगा फर्स्ट नेम स्पेस में से, दिस इज फाइन. लेकिन अगर कोई दो वेरिएबल्स दो डिफरेंट नेम स्पेसेस के अंदर डिफाइंड है तो यू कैन नॉट यूजिंग बोथ ऑफ देम. ठीक है जी, दैट वॉज अ डिफरेंट नेम स्पेस. iOS colon colon जो हमने लगाया था, that was a different namespace. So technically we could have put using namespace iOS and then use that. मतलब दोनों दो namespaces हम एक ये this is legal करके बता देता हूँ. Right, so नीचे मैंने c out के आगे से std हटा दिया, अगर कहीं पे लिख भी दें तो खैर है, but this works. हाँ, if you remove this then you get an error. Right, so candidate reference to var is ambiguous. ठीक है, var नहीं पता चलता कौन सा वाला var की बात हो रही है. सर ऊपर वाला ये वाला बार जी, ये 21 जो है दिस इज एम्बिगुअस, 22 में तो मसला नहीं है. ठीक है, 22 तो हमने इसको कहते हैं दिस इज फुली क्वालिफाइड. जब आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किसी वेरिएबल या क्लास या फंक्शन के नाम के साथ लगा देते हैं, इसको कहा जाता है कि दिस नेम इज फुली क्वालिफाइड, यानी कि यू नो एग्जैक्टली विच वन दिस इज, इट्स नॉट एम्बिगुअस, इट कैन नॉट बी एम्बिगुअस.
ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास बात की गई और चली गई, दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट नेम स्पेसेस। ग्लोबल स्पेसेस के सब स्पेस सब स्कोप्स हैं ग्लोबल स्कोप के, और इस वजह से हैं ताकि अगर कोई एम्बिग्यूटीज आती है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। यूजिंग का पता होना चाहिए, बेसिक चीज। ओके, राइट। दूसरी जो चीज़ है आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो उसको थोड़ा सा पहले थोड़ा देख लें कि उसका मकसद क्या है, और उसके बाद फिर बात करते हैं। राइट, सो द आईडी यूजिंग नेमस्पेस के बाद अगर आप नीचे आके इसको एसटीडी कॉलन कॉलन करते हैं, हाँ वो ठीक है, तो सर ये सेकंड वाले का इसको वो नहीं मानेगा सर, असल में वार पता नहीं चलता फिर कि कौन से वाले वार की बात कर रहे हैं। ऐसे इजाज़त थी, अगर फर्स्ट ना होता तो सेकंड वाले के आगे से हटा सकते थे, लेकिन अब चूंकि फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, अब उसको पता नहीं चलता कौन से वाले की बात कर रहे हैं, वो एरर इसलिए दे रहा है। लेकिन हमने सेकंड कॉलन कॉलन, हाँ वो लिखा फिर ठीक था, लेकिन उससे ऊपर वाली लाइन में नहीं लिखा हुआ था। ये लाइन 21 को देखें, उसमें सिर्फ वार लिखा है, तो फिर मसला वार लाइन 21 पे मसला है। 22 सही है, सही कह रहे हैं, यहाँ तक सही हो गया जी। ओके, सो हियर इज द आइडिया, लेट्स से यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड मैक्स एंड दिस टेक्स टू इंटीजर्स ए एंड बी, और करता ये है कि इनमें से जो मैक्स है, ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, रिटर्न दी मैक्स ऑफ द टू, दोनों में से जो भी बड़ा है वो वापस भेज देता है। ठीक है, या लेट्स से इसके अंदर 10 वेरिएबल्स लेता है और 10 में से जो सबसे बड़ा है वो वापस कर देता है। ठीक है, वो लॉजिक आप लोगों को बनानी आती है, नहीं भी आती तो इमेजिन कर लें कि आती आपको। ठीक है, सो जो वट एवर द लार्जेस्ट नंबर है वो ये रिटर्न करता है। यहाँ तक बात सही है जी, ये ठीक है, दिस इज सम फंक्शन विच रिटर्न्स द मैक्स, बिल्ट इन नहीं है, हमने बनाया। नाउ लेट्स इमेजिन कि हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, और डिक्शनरी में हम लोगों ने कोई डिजिटल डिक्शनरी है, उसके अंदर हमने सॉर्ट करना है वर्ड्स को। ठीक है, वर्ड को सॉर्ट करने का तरीका ये होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम यही कहते हैं कंप्यूटर साइंस की जबान में, कि दो लफ्ज़ अगर आप ले लें, अली और उस्मान अगर आप ले लें, तो यू से कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो बड़ा इसेंशियली मीन्स कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा बाद में आता है। ठीक है, तो हेयर उस्मान इज ग्रेटर देन अली, क्यों, क्योंकि उसमें आता। तो लेट्स से यू हैव 10 डिफरेंट वर्ड्स, नाउ वर्ड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रिंग्स, आपने बनाना है एक फंक्शन मैक्स का जो कि 10 स्ट्रिंग्स में से मैक्सिमम आपको रिटर्न करके दे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू राइट दिस होल थिंग अगेन एंड मेक जस्ट वन चेंज, जो भी मैक्स की लॉजिक है सारी की सारी उसी तरीके से होगी। यू कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, यू कैन से उस्मान इज ग्रेटर देन अली, सो इट विल रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, सो दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस इज लीगल प्रॉपर सी प्लस प्लस कोड। ठीक है, ग्रेटर के ऑपरेटर को जैसे इंटीजर्स का पता है वैसे ही उसको स्ट्रिंग्स का भी पता है। तो नीचे आपकी सारी फिर सेकंड को लेता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन से भी फर्क पड़ता है और फिर डिजिट से भी, इट्स अ होल सिचुएशन। सही हो गया, तो नाउ द होल लॉजिक ओवर हियर, मैं भी आपको कोड दिखाता भी हूँ, द होल लॉजिक इन दिस थिंग इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, the two things, the inputs are going to be, instead of integers they are going to be strings, and the return type is also going to be a, ठीक है, क्योंकि इसने max जो return करना है तो वो भी string की शक्ल में होगा, और जो inputs लेने हैं वो भी strings की शक्ल में होंगे। ठीक है, so essentially everything is going to remain the same, सिर्फ data types क्या हो जाएंगी, integers से strings हो जाएंगी। then let's say you have characters, let's say you have floats, let's say you have two students, students आप दो students को आपने compare करना है, and the idea is कि इन दो स्टूडेंट्स में से लेट्स से जिसका जीपीए ज्यादा है तो दैट इज ग्रेटर देन द अदर स्टूडेंट, आप जीपीए के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या लेट्स से अटेंडेंस के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहे हैं, वट एवर दी थिंग इज, लेकिन द होल आइडिया इज दैट यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स और 10 थिंग्स एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ दैट। सो दिस होल फंक्शन इज गोइंग टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, वंस फॉर ईच डेटा टाइप, चार के लिए अलग बनेगा, स्ट्रिंग के लिए अलग बनेगा, स्टूडेंट के लिए अलग बनेगा, फैकल्टी के लिए अलग बनेगा, लेट्स से फैकल्टी सीनियोरिटी के बेस के ऊपर सॉर्ट होती है। सो ये फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग अगेन, व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि ये फंक्शन मैं बनाता हूं, एक जेनेरिक किस्म का फंक्शन बनाता हूं, जनरल फंक्शन मैं बनाता हूं। ठीक है, इसको जरा दोबारा यहां पे देखें, जहां जहां इंट लिखा हुआ था वहां वहां पर जाके मैं लिख दूंगा एक कैपिटल टी, दिस टी कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैं टी लिख रहा हूं इसकी जगह पे, टी इज एसेंशियली गोइंग टू बी एनीथिंग दैट आई विल स्पेसिफाई लेटर। ठीक है, सो द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी टी। ठीक है, and the name of the function is going to be still max, the input type of the first parameter that it takes is t of a, which essentially means a is going to be of type t, this t comes from type, this is going to be some type. ठीक है, मुझे भी नहीं पता वो क्या है।
The other variable is also going to be of the same type. So ये t सारे के सारे एक जैसे होंगे, ये t और ये t. So ये t आपको, मैं t अपने आप से बना रहा हूँ. This could have been x. ठीक है, t is for type. Normally t इस्तेमाल करते हैं. सही हो गया. And then you go ahead and code the whole logic as before. जहां जहां फंक्शन की बॉडी में किधर भी int लिखा हुआ था, you replace that with t. यहां तक बात सही होगी? क्यों? क्योंकि हमें अभी टाइप नहीं पता. इसी जगह पे इंटीजर भी मैं डाल सकता हूँ, इसी जगह पे मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, इसी जगह पे मैं चार भी डाल सकता हूँ, स्टूडेंट भी डाल सकता हूँ, फैकल्टी मेंबर भी डाल सकता हूँ. सही हो गया? सो बिकॉज यू हैव दिस टी ओवर हियर, नाउ दिस इज एन एरर. क्यों? क्योंकि टी नामी कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती. सो यू हैव टू टेल द कंपाइलर कि दिस इज अ प्लेस होल्डर. ये प्लेस होल्डर है, ये एक छोटा सा आपके पास एक डब्बी सी है. इसके अंदर मैं कल को कोई आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा डाटा टाइप डाली जाएगी. ठीक है, राइट? सो आपने ये कंपाइलर को बताना है कि दिस इज प्लेस होल्डर. उसका सिंटेक्स ये है कि आप ऊपर आके लिखेंगे टेम्पलेट एंड देन यू से क्लास टी. ये टी वही है जो कि नाम आप देना चाह रहे हैं. आप ये कह रहे हैं कि मैं आगे जो भी चीज डिफाइन करने वाला हूं इस लाइन के फौरन बाद, दैट इज गोइंग टू बी अ टेम्पलेट. ठीक है, टेम्पलेट जानते हैं क्या होता है? स्टेंसिल देखे हैं बचपन में? Yes. वो जो जिसके ऊपर ए बी सी के सुराख हुए होते हैं और आप उसके ऊपर मार्कर फेरते हैं तो ए लिखा जाता है, बी लिखा जाता है, सी लिखा जाता है. ये देखें, अच्छा मैं ला के आपको दिखा दूंगा. ठीक है, किसी के पास है, किसी छोटे बहन भाई से छुपा के नया मार्क को दिखा देते हैं. ठीक है, एसेंशियली इट्स लाइक इट्स अ रेक्टेंगल जिसके अंदर इस तरीके से यूं करके एक इस तरह का होल सा होता है. एंड यू टेक द मार्कर एंड यू ये नजर आ गया. ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ. इसको इस तरह करते हैं ना आप, बस हाथ फेरते रहते हैं तो आपका हाथ चूंकि उस होल से बाहर नहीं जा सकता, तो यू एंड अप विद एन ए. सही है, वो ला के दिखा देना आपको. सो दैट इज एसेंशियली व्हाट अ टेम्पलेट इज. अ टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट. उस ब्लूप्रिंट के अंदर ही आप काम करेंगे. सो दिस टेम्पलेट इज कि ये ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर कुछ होल्स हैं, वो होल्स आर कॉल्ड टी. उस टी के अंदर हम कोई डाटा टाइप आपको बाद में बताएंगे. यू जस्ट रिप्लेस ऑल ऑफ द टीज विद दैट डाटा टाइप. ठीक है, कोड से मेरा ख्याल है, कोड से आपको ज्यादा समझ आएगा. कोड बताता हूं आपको. ये टेम्पलेट, ये खास टेम्पलेट जो है, दिस इज अ कीवर्ड, तो दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड. मैं ये कह रहा हूं कि आगे इस टेम्पलेट के बाद जो चीज आ रही है उसके अंदर टी इज गोइंग टू बी अ प्लेस होल्डर. ठीक, तो जहां जहां टी आएगा वहां वहां पे आपने कल को जाके वो वाली टाइप रिप्लेस कर देनी है जो कॉल के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा. सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, मैं पूरी बात करता हूं तो फिर सिंटैक्स आपको समझ आ जाएगा. व्हेन एवर वी कॉल दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू से मैक्स. और पे अटेंशन, दिस इज ए हॉरिबल सिंटैक्स बट दिस इज व्हाट एवरीबॉडी यूजेस. एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ द प्लेस होल्डर ओवर हियर. सो लेट्स से राइट, सो मैक्स एंड देन यू नीड टू टेल इट व्हाट द टी इज. तो एंगल ब्रैकेट्स, स्पेसेस वेसेस नहीं है, एंगल ब्रैकेट्स, दरमियान में आप वो टाइप बताएंगे इंट. एंड देन यू हैव द फंक्शन कॉल. आई नीड अ डिफरेंट कलर. ठीक है, बिकॉज इट्स इंट वी से 5 and 6. ठीक है, सो व्हाट दिस मींस इज टेक द फंक्शन मैक्स व्हिच इज काइंड ऑफ अ जेनेरिक फंक्शन. ठीक है, उसको अभी तक ये पता नहीं कि मैंने किस डाटा टाइप पे काम करनी है. इट नीड्स अ टी, पुट इंटीजर इन प्लेस ऑफ दैट टी. तो एसेंशियली आप मेंटली क्या करेंगे, जो कि कंपाइलर फिजिकली डिजिटली करता है, कि आप जहां जहां पे टी लिखा है, नाउ यू इमेजिन कि इस टी की जगह पे लिखा हुआ है इंट इंट इंट. फंक्शन की बॉडी में भी जहां जहां टी लिखा हुआ है कैपिटल टी, ऑल ऑफ दैट इज रिप्लेस्ड विद ए इंट एट रन टाइम. इसमें और मैक्रोज में फर्क यह है कि मैक्रो इज एट कंपाइल टाइम, दिस इज एट रन टाइम. ठीक है जी, रन टाइम पे ये सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी आपके उससे इंट से. सो नाउ यू एसेंशियली गेट द सेम मैक्स फंक्शन बैक जो कि हमने ऊपर बनाया था. ठीक है, तो मैक्स इंट लिखने से यू गेट एन इंटीजर मैक्सिमाइजर. ठीक है, सो इफ यू राइट मैक्स एंड देन यू से स्ट्रिंग, हियर यू कैन नाउ से उस्मान एंड अली. सो नाउ यू गेट द स्ट्रिंग वर्जन या स्ट्रिंग वेरिएंट ऑफ दिस मैक्स फॉर फ्री, और एसेंशियली फॉर फ्री. ठीक है, आपको सिर्फ एक दफा टेम्पलेट ऊपर लिखना पड़ा, टी टी से सारों को रिप्लेस करना पड़ा. एंड नाउ यू गेट अ स्ट्रिंग मैक्सिमाइजर, यू गेट अ स्टूडेंट मैक्सिमाइजर, यू गेट अ फैकल्टी मेंबर मैक्सिमाइजर, यू गेट अ चार मैक्सिमाइजर, यू गेट अ फ्लोट मैक्सिमाइजर, यू गेट अ डबल मैक्सिमाइजर. एवरीथिंग इज नाउ एसेंशियली फ्री जस्ट बाय रिप्लेसिंग दिस वन वैल्यू फॉर द प्लेस होल्डर. ठीक,
जी मैं कोर्ट से बताता हूँ, कोर्ट से बताता हूँ जी, ये सेंटेंस बताता हूँ आपको, ये लव्स क्लास को फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे. कहाँ है ये, राइट? सो हियर इज द सिंटैक्स. सो यू हैव आयो स्ट्रीम, यू हैव स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस. यहाँ पे हमने फाइंड मैक्स का एक फंक्शन बनाया है जो कि इंस्टेड ऑफ इंट इट टेक्स अ टी. वॉट इज अ टी? अ टी इज नथिंग. सो वी टेल द कंपाइलर दैट दिस इज अ प्लेस होल्डर. आई विल टेल यू लेटर एट कॉल टाइम, जब मैं आपको कॉल करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा इस टी से मेरी क्या मुराद है. ठीक हो गया जी? इट्स नॉट एग्जैक्टली एट रन टाइम, लेकिन चलो फिलहाल चलेगा. ठीक है, सो टी ए एंड टी बी, और दरमियान में आप लोगों ने जाके रिजल्ट को सेव करना होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, तो उसको भी टी कर दिया. जिधर जिधर इंटीजर है सब जगह पे टी कर दिया, क्योंकि कल को अगर इसको मैंने स्ट्रिंग से चेंज करना है तो सब जगह पे स्ट्रिंग से चेंज होगा फिर ये. ठीक है, तो जहां जहां आपके पास इंटीजर था यू रिप्लेस दैट विद ए, विद ए व्हाट? विद ए टी. ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू टेल द कंपाइलर दैट दिस टी इज नॉट अ डेटा टाइप. वरना तो वो कहता है ना भाई टी क्या डेटा टाइप है, एरर देता आपको. तो यू हैव टू टेल द कंपाइलर दिस इज एन, दिस इज ए प्लेस होल्डर, और उसका सिंटेक्स ये है कि नाउ आई एम डिफाइनिंग अ टेम्पलेट, और उसके अंदर आपके पास ये सिंटेक्स है. आगे इसको इसी तरीके से रखें कि यहां पे आप क्लास के आगे बताते हैं कि किस जो आपका प्लेस होल्डर है उसका नाम क्या है. ठीक है, किस चीज को मैं प्लेस होल्डर कह रहा हूँ? टी को मैं प्लेस होल्डर कह रहा हूँ. ठीक हो गया जी, यहां तक सही है? सो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ टेम्पलेट. आप लोग नॉर्मली टेम्पलेट्स खुद बनाते नहीं है, लेकिन इस्तेमाल बहुत ज्यादा है टेम्पलेट्स का. ठीक है, थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, इससे आगे एक बेहतर एग्जांपल है. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है. मॉडर्न प्रोग्रामिंग आप हार्डली किसी लैंग्वेज में कर सकते हैं अगर आपको ये चीज ना आती हो तो. ठीक है, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सही है जी? सो नाउ यू हैव दिस फाइंड मैक्स फंक्शन विच टेक्स सम डेटा टाइप इन टू पैरामीटर्स, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी द सेम, एंड इट रिटर्न्स द सेम डेटा टाइप बैक. And the logic is if A is greater than B, then return A, otherwise return B. ये वही पुराना किस्सा है, इसको फिलहाल छोड़ें. Now we go to the main and we have two integers and we can say find max int. इससे आपका function अब proper हो गया, specify हो गया कि वो उस template में क्या डालना है. वो जो T था उसके अंदर क्या चीज डालनी है? Int. तो अब you imagine कि वहां पे जिधर जिधर भी T लिखा हुआ था there is an int there. तो int 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 int. ठीक है, सारे टी रिप्लेस हो गए आपके इंट के साथ. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू कैन सेंड इट टू इंटीजर्स, बिकॉज नाउ दिस इज ए फंक्शन. दिस फाइंड मैक्स क्वालिफाइड विद एन इंटीजर इज ए फंक्शन व्हिच टेक्स टू इंटीजर्स एंड रिटर्न्स एन इंटीजर बैक. सो नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन. ठीक है, एंड देन यू कैन सिंपली आउटपुट इट. इसी तरीके से अगर आपने स्ट्रिंग्स को करना है तो यू कैन टेक टू स्ट्रिंग्स, यू डू अ फाइंड मैक्स ऑफ स्ट्रिंग एंड देन यू हैव ए एंड बी. ठीक है, राइट? एंड यू कैन रन दैट. सो ये कि फंक्शन को मतलब दो तीन चीज जी, अब एक ही फंक्शन के आप डेटा टाइप्स फर्क कर सकते हैं बार बैठ के. वो फंक्शन एक दफा डिफाइन हो चुका, अब आप बार बैठ के उसके प्लेस होल्डर्स चेंज करते जाते हैं, आपको डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस मिलती जाती हैं. सर एक वो थी ऊपर आपने जो किया रिटर्न रिजल्ट जी, तो उसका जो रिटर्न जिसमें मसला नहीं आता जी, देखिए ना रिजल्ट क्या डेटा टाइप है? टी. कल को टी जो भी होगा, और इस फंक्शन ने रिटर्न करना क्या है? टी. तो जब टी की जगह पे इंटीजर आएगा तो वो भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा. रिजल्ट की टाइप इंटीजर हो जाएगी, इस फंक्शन ने इंटीजर रिटर्न करना है, वर्क्स फाइन. जब वो स्ट्रिंग हो जाएगा तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, इस रिजल्ट की क्या डेटा टाइप है? स्ट्रिंग. इसने रिजल्ट ने डेटा टाइप अपने पास स्ट्रिंग होल्ड करनी है, और ये वापस क्या भेजेगा? स्ट्रिंग. सर आपने जो पहले वाला किया है मैक्स वाला, जी उसका हमने के के अंदर इसको वेरिएबल कर, जी के वैसे इंटीजर है, के इंटीजर है. अगर आप इसको के को हटा दें सिंपली से नीचे, हां डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट्स फाइन. मैं सिर्फ ये आई डोंट नो बस अलग वेरिएबल में डाला था कि इंटीजर आपको नजर आ रहा है. ठीक है, वापस भी इंटीजर ही आ रहा है. ठीक है, ओके, यहाँ तक सही हो गया. इसको रन कर लें. सो मैक्स फॉर इंट इज 30, मैक्स फॉर स्ट्रिंग इज नॉट. ठीक है, और आप इसके जरिए से और वेरिएशंस फर्दर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू हैव समथिंग इन विच यू कैन कंपेयर टू थिंग्स विद द ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन साइन. ठीक है, दोनों को ग्रेटर देन साइन से कंपेयर अगर आप कर सकते हैं तो दिस फंक्शन वर्क्स फाइन. ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल. यू टेक सम डाटा टाइप एंड यू जनरलाइज इट, कि मैं कल को आपको बताऊंगा कि क्या डाटा टाइप है, एंड योर होल लॉजिक शुड नाउ वर्क विद एनी डाटा टाइप इन द फ्यूचर. लॉजिक आपने ऐसी बनानी कि कल को सारे उसके अंदर वो काम करे. ठीक है, ये चीज चूंकि टेम्पलेट हमने लगाई है किस चीज के ऊपर? फंक्शन के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन टेम्पलेट. So this is a function template. ठीक है जी, so essentially you create a generalized version
of a function that can be स्पेशलाइज डेटा, ठीक है। जब आप उसको कॉल करेंगे उस वक्त आप बता सकते हैं कि इसको टी के अंदर क्या डालना है, ठीक है। और सिंटैक्स आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से, ठीक है। ये सिंटैक्स थोड़ा सा अजीब सा है, बट दिस इज एसेंशियली एनी लैंग्वेज दैट डज इट यूज, तो इस वजह से ऐसा ही हो गई है, ठीक है। आदत करेंगे इसमें जी का कसूर नहीं है, सारी लैंग्वेजेस ऐसे यूज़ करती है। यहाँ तक से हो गया। सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड अ फंक्शन टेम्पलेट। नाउ वॉट वी वॉन्ट टू क्रिएट इज अनदर थिंग, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ, लेट स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, नाम फिर बाद में बताता हूँ। सो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, सो लास्ट टाइम जिसने असाइनमेंट की थी, जिन्होंने कॉपी की थी वो माफ है, लेकिन जिन्होंने खुद की थी वो देख लें। सो इन दिस लिस्ट क्लास यू हैव ए नोड, सो स्ट्रक्ट नोड। नोड के अंदर आपके पास वैल्यू थी, वैल्यू की क्या डेटा टाइप थी, हम लोगों ने इंट की लिस्ट बनाई थी ना, तो इंट वैल, एंड देन यू हैव सम अदर स्टफ ओवर हियर, एंड देन यू हैव अ पॉप फंक्शन विच इज एन इंट पॉप, और इनपुट कोई वो नहीं लेता। यू हैव ए पुश विच वॉज ए वॉइड पुश, और ये आपसे इनपुट क्या लेता था, लेट्स से वैल जो भी है, ठीक है जी। सो बहुत सारी जगहों पे आपको इंटीजर 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 नजर आ रहा है, सही। लेकिन आप ये इमेजिन करें कि इस इंटीजर के साथ हम कर क्या रहे थे, इसके साथ हम क्या कर रहे थे, वैल एक्चुअल जो वैल है उसके साथ हमने क्या काम किया था, इसको हमने सिर्फ सेव किया था और रिट्रीव किया था, बस और कुछ भी नहीं किया था, सही। तो व्हाट इफ आई टेल यू के यू नीड टू क्रिएट ए लिस्ट नॉट ऑफ इंटीजर्स बट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमने बनाए थे ना, ठीक है। व्हाट इफ आई टेल यू के यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट लिस्ट विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड नॉट अ लिस्ट बट ए स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। एंड द होल लॉजिक इज गोइंग टू बी द सेम, एक्सेप्ट जहां जहां आपने इंटीजर लिखा था वहां वहां आप जाके क्या कर देंगे उसको, स्टूडेंट। सो दिस वैल इज गोइंग टू बी स्टूडेंट, ठीक है। जब आप कोई चीज पुश करेंगे तो आपको इसको इंटीजर नहीं भेजना होगा, आपको इसको भेजना होगा स्टूडेंट, कि इस स्टूडेंट को पुश कर दो। जब आप पॉप करेंगे वो आपको वापस क्या निकाल के देगा, कोई स्टूडेंट निकाल के देगा, ठीक है। आप जब प्रिंट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगा। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम, एक्सेप्ट आपको जाके डाटा टाइप इंटीजर से क्या करनी पड़ेगी, स्टूडेंट स्टूडेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आ रही बात की। कुछ अर्से बाद आपको पता चले जी हम लोगों ने क्लासरूम्स की भी लिस्ट बनानी है, देन यू हैव टू क्रिएट अ क्लासरूम लिस्ट। कुछ अर्से बाद फिर आपको पता चला फैकल्टी मेंबर्स की भी बनानी है, देन यू हैव टू क्रिएट अ फैकल्टी मेंबर लिस्ट। फिर आपने स्टाफ की बनानी है तो स्टाफ लिस्ट। इस तरीके से चीजें आती जाएंगी, और लिस्ट हम लोगों को पता है पाइथन में भी हमने देखा था बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। जो भी वेरिएबल लेंथ की आपके पास कलेक्शन होगी दैट हैज टू गो इनटू अ लिस्ट। तो अब आपको हर काम के लिए एक नई लिस्ट बनानी पड़ी, एंड योर कोड इज बीइंग रेप्लिकेटेड, वही कोड एग्जैक्ट बार बार आ रहा है। एंड लेट्स से कि कुछ अरसे बाद जाके आपको पता चला कि मेरे इस कोड के अंदर फला जगह पे एक बग है। नाउ यू हैव टू गो बैक एंड फिक्स ऑल ऑफ दीज लिस्ट। 15 लिस्ट आपने बनाई थी, स्टूडेंट लिस्ट, लिस्ट इंटीजर लिस्ट, कैरेक्टर लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट, फैकल्टी मेंबर लिस्ट, स्टाफ लिस्ट, क्लासरूम लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट है। अब सब में जाके सही करेंगे, 14 में कर देंगे, एक रह जाएगा आपसे, ठीक है। या एक अभी आप यूज नहीं कर रहे थे, आपने कहा मैं कल कर लूंगा, वो कल कभी आती नहीं है, तो फिर वो चीज़ ऐसे रह जाएगी। ये होता है इस तरीके से, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामर्स आपको पता है कि कैसे होते हैं। तो एसेंशियली यू से कि अभी डेडलाइन है, ये अभी कर लेता हूँ, वो वाला मैं बाद में कर लूंगा, वो बात फिर कभी नहीं आई, ठीक हो गया जी। तो दिस लीड्स टू अ प्रॉब्लम। सो एसेंशियली व्हाट यू डू इज यू डू द सेम थिंग जो कि आपने पहले किया था, यू गो एंड रिप्लेस, इंस्टेड ऑफ दिस इंट विद ए स्टूडेंट, यू रिप्लेस इट विद अ टी, यू रिप्लेस दिस इंट विद अ टी, एंड यू रिप्लेस दिस इंट विद ए टी, एंड हियर यू पुट क्लास, सॉरी टेम्पलेट क्लास टी, एंड यू आर डन, ठीक है। अब जब आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो यू आर गोइंग टू से लिस्ट, उसी तरीके से एंगल ब्रैकेट में आप कहेंगे इंट एल, एंड नाउ यू हैव एन इंटीजर लिस्ट। आपने स्टूडेंट की बनानी है लिस्ट, स्टूडेंट, लेट्स से स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सो व्हेनेवर देयर इज अ बग यू गो एंड फिक्स इट इन वन प्लेस एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी, ठीक है। एक तो आपको कोड लिखना कम हो गया, प्लस डीबगिंग आसान है, प्लस आप उसको जाके अगर कोई बग आ जाता है तो उसको फिक्स करना भी आसान है, ठीक हो गया जी। ये बात समझ आई है। मसला ये है कि आप जितनी भी चीजें पुश करेंगे तो सारी की सारी जाएंगी उसी टी टाइप की, तो आप इसको हेट्रोजीनियस नहीं बना सकते कम से कम,
लेकिन यू कैन यूज द सेम कोड टू क्रिएट डिफरेंट लिस्ट ईच ऑफ अ डिफरेंट टाइप बट विद इन वन लिस्ट यू आर गोइंग टू हैव द सेम टाइप. वो हेट्रोजेनिटी अभी तक नहीं है, ठीक है, दैट दैट इज. लेकिन पाइथन में जब हम पढ़ाते हैं ना पाइथन, तो हम बड़ा ये कहते हैं कि जी लिस्ट पाइथन की लिस्ट में बड़ा जबरदस्त ये काम है कि वो हेट्रोजीनियस होती है. इस्तेमाल कोई नहीं करता हेट्रोजेनिटी, इट्स नॉट यूज्ड. एक लिस्ट के अंदर नॉर्मली व्हेनेवर यू हैव अ लिस्ट यू वांट देम टू बी ऑफ द सेम टाइप बिकॉज यू वांट टू डू द सेम थिंग टू द होल कलेक्शन. तो हेट्रोजेनिटी लिस्ट में आमतौर पर इतनी इस्तेमाल नहीं होती, इट्स रेयर. पाइथन में शो ऑफ करने के लिए लोग कहते हैं उसको, इसका कोई मकसद नहीं है. सो वेरिएबल लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी ऑलरेडी डन. हेट्रोजेनिटी जरूरी नहीं है. हाँ ये कि डिफरेंट लिस्ट should be of different types, that is very common. So that we get with this thing over here. See? So now these are called, because we are applying a template to a class, this is called a upper function template. Ye kya hogi? So this is a class template, one of the most important topics in modern object oriented programming languages. ठीक है जी. कुछ और लैंग्वेजेस इनको डिफरेंट नामों से लेती हैं. जावा इसको कहता है जेनेरिक्स, और पाइथन इसको क्या कहता है मुझे कोई बताए कि ये मेरे सवाल का क्या जवाब है. पूरा एक एब्सोल्यूट नंबर मिलेगा फाइनल में. सवाल मैं दोबारा बताता हूँ, हाँ सवाल मैं दोबारा बताता हूँ, मुझे इसका जवाब बताएं, सही जवाब देंगे मेरे सवाल का, पूरा एक एब्सोल्यूट नंबर मिलेगा फाइनल में. इस कॉन्सेप्ट को पाइथन क्या कहेगा? मुझे याद कराना फिर आपने. पाइथन में डेटा टाइप सिरे से होती नहीं है. किस्सा खत्म हो गया, समझ रही बात की? पाइथन में तो डेटा टाइप हम बताते ही नहीं है, वो खुद जज करता है. सही बात समझ रही? तो पाइथन में तो ये नहीं है जेनेरिक्स, क्योंकि पाइथन में सिरे से डेटा टाइप है ही नहीं. तो जो इस तरह की लैंग्वेजेस जो कि टाइप को खुद गेस करती हैं, तो उसमें तो ये मसला सिरे से आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आप टाइप पता ही नहीं है. लेकिन जिन लैंग्वेजेस में है, जिन मॉडर्न लैंग्वेजेस में टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, जिनमें टाइप आप बताते हैं, उन सारों के अंदर ऑलमोस्ट ऑलवेज दे कॉल्ड जेनेरिक्स, बिकॉज जेनेरिक कम्स फ्रॉम जनरल, तो इट्स जनरल वर्जन ऑफ ए स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन. सो देर कॉल्ड जेनेरिक्स. जेनेरिक्स और सी प्लस प्लस इसको कहता है क्लास टेम्पलेट्स. हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट योर लैंग्वेज इसको क्लास टेम्पलेट्स कहती हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दोनों टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है जी, यहाँ तक बात सही हो गई. ओके, सो इसका सिंटेक्स अभी ज़रा देख लेते हैं. So this is the implementation जो कि आप लोगों ने की है last assignment में, right? So you have the class list, और इसके अंदर क्या है आपके पास, you have किधर int, so int val, दरमियान में सब जगह पे val इस्तेमाल हो रहा है. ये int क्यों है? क्योंकि हमारे ये है local variable, लेकिन ये int क्यों है? क्योंकि हमारी list integer की है. हमें पता है कि जो value हम return करना चाहते हैं वो integer की type की होगी, इसलिए ये int पकड़ा गया एक. ठीक है, इसके अलावा आ जाए यहाँ पे, so किधर है, ऊपर से है ना, ये int है. ठीक है, दिस इंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए टी. यहाँ पे ये इंट है, इसको भी टी होना पड़ेगा, ये इंट है, इसको भी टी होना पड़ेगा. इसेंशियली जो जो चीजें आपने इंटीजर के हिसाब से की थी वो सारी की सारी टी हो जाएंगी, एंड देन यू गो एंड स्पेसिफाई कि भाई ये चीज जो है टी जो है दैट इज ए टेम्पलेट प्लेस होल्डर. सो हियर इज हाउ वी डू दिस. सो इन दिस लिस्ट ये स्ट्रक्ट में अंदर ले गया हूं ताकि एक ही जगह पे हो जाए, जरा साफ हो जाए. सो यू हैव द टेम्पलेट क्लास टी, एंड देन यू क्रिएट द क्लास वेर एवर यू हैड एन इंटीजर यू पुट अ टी. ठीक है, जहां जहां पे था ये हो गया टी. ठीक, ये हो गया टी. अब आगे चूंकि आपने डिक्लेरेशंस कर दी हैं, डेफिनेशंस अलग से करनी है, तो ये फंक्शन भी आप इसको बताएंगे कि मैं टी के हिसाब से चल रहा हूं. ठीक है, तो यहां पे सिंटेक्स थोड़ा सा एक जरा सा नया सिंटेक्स आगे उसको भी देख लें. यू अगेन हैव टू राइट टेम्पलेट क्लास टी दोबारा, क्योंकि फंक्शन अब बाहर है, उसको वो वाली पहली वाली बात भूल गई. ठीक है, आप कंपाइलर को दोबारा बताना पड़ेगा. सो व्हेनेवर यू हैव द डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास यू हैव टू रीडू दिस. तो क्लास टी अगेन, और यहां पे अब आपको इसको बताना पड़ेगा कि लिस्ट को मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं, टी की बात कर रहा हूं. तो ये दो सिंटेक्स आपके पास जरा से एक्स्ट्रा आ गए अब यहां पे. ठीक है, बट द बेनिफिट इज ह्यूज, इस वजह से हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं. ठीक है, ये इस वजह से यहां पे, क्योंकि इफ यू डोंट राइट टी ओवर हियर, तो इसको ऐसा लगता है जैसे लिस्ट इज ए स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, जबकि लिस्ट इज ए जेनेरिक इम्प्लीमेंटेशन. तो ये आप इसको इससे बताते हैं कि वो जो ऊपर जेनेरिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट मैंने बताई है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी, समझिए बात की. सो इसेंशियली ये वाली बात, खैर अगर नहीं भी समझ रहे तो बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज दिस इज कमिंग, दिस फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम ए टेम्पलेटेड क्लास, अ जेनेरिक क्लास. तो इसका सिंटेक्स इस तरह कि आप जेनेरिक करके इसको लिखेंगे. हाँ, वो फिर नहीं लिखेंगे तो एम्बिग्विटी आती है. तो बनाना नहीं चाहिए, दैट इज अ हॉरिबल आइडिया.
लेकिन बिकॉज इट्स पॉसिबल तो कंपाइलर आपको ये कहता है कि इस तरीके से लिखो ताकि डिसएम्बिगुएशन हो जाए थोड़ी, ठीक है। सो यू हैव एसेंशियली द सेम थिंग अगेन उसके बाद। हाँ, ये है कि जहाँ पे आपने अब ये किया हुआ है पुश है, तो पुश के अंदर आपने टी बनाया तो इंस्टेड ऑफ इंट यू नीड टू पुट अ टी। सेम आइडिया, वेर एवर यू हैव एन इंटीजर यू रिप्लेस इट विद अ टी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे बिल्कुल ही अंधों की तरह सारे को कर दें। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई फंक्शन है काउंट का जो कि गिन रहा है कि आपके पास इस लिस्ट के अंदर टोटल नोड्स कितनी हैं, तो वो इंटीजर निकालेगा, उसको नहीं जाके टी कर देना, क्योंकि वो तो काउंट रिटर्न करेगा ना, काउंट तो इंटीजर है। बात समझ आ रही है जी? ठीक है, उसको जाके नहीं कि बस जिधर इंट है तो कंट्रोल एफ और कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला काम कर दें उसके साथ। सही है जी? थोड़ा सा सोच के करना है कि जहां जहां पे इस चीज को मैंने जनरलाइज करना है वहां पे जाके कर दूं। हाँ, कहीं पे कोई स्पेसिफिक इंटीजर हो रहा है इस्तेमाल, तो दैट इज अ सेपरेट इशू। ठीक है, ये बात समझ आई आखिरी काउंट वाली जी? ओके, सो यू गो अहेड एंड रिप्लेस ऑल ऑफ दिस। इस तरीके से पॉप है तो पॉप की रिटर्न टाइप भी टी हो गई, और यहाँ पे जो हमने ये लिया हुआ है इसको भी इस तरीके से कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, सारी जगह पे जहां जहां पे जाके डिलीट आफ्टर नोट के अंदर तो कोई चीज नहीं थी, लेकिन वी स्टिल हैव टू क्वालिफाइड। ठीक है, वो टी करना पड़ेगा ताकि चीज साफ हो जाए इस तरीके से। एंड यू हैव द प्रिंट लिस्ट, एंड देन इन मेन व्हाट यू डू इज लिस्ट, एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग एन इंटीजर लिस्ट। सर, अगर वो डिलीट आफ्टर नोट वाले के साथ नहीं था तो उसे असल में रीडेबिलिटी की खातिर, क्योंकि इफ यू हैव दिस ओवर हियर एंड इट लुक्स लाइक दिस, तो यू फॉरगेट दैट दिस इज ए जेनेरिक क्लास। ठीक है, जब आप कोड पढ़ रहे हैं ना महीने के बाद, तो अगर आप सिर्फ इस फंक्शन को देखेंगे तो आपको इसको देख के ये नहीं पता चलता कि दिस इज जेनेरिक क्लास। सो मे बी यू डिसाइड आई नीड टू राइट अनदर क्लास फॉर दिस। ठीक है, तो इट्स अ बैड आइडिया इन दैट सेंस। ठीक है, रीडिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन रीडिबिलिटी की वजह से वो करने पड़ते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इट्स अ रियली बैड आइडिया टू मेक योर कोड लेस रीडेबल, इवन इफ इट सेव्स यू टाइम एट द मोमेंट। ठीक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम बैक एंड बाइट यू लेटर ऑन। राइट, सो इंट लिस्ट, जब आपने ये कर दिया, इसके बाद आप इस एल को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपने पहले इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली द सेम कोड। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बट व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस एज अ बोनस इज नाउ यू कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग लिस्ट एज वेल फॉर फ्री। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ स्टूडेंट लिस्ट, यू कैन क्रिएट अ फैकल्टी मेंबर लिस्ट। फैकल्टी मेंबर की क्लास हमने पीछे बनाई थी ना, अब आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो एसेंशियली वो जो पाइथन में हम लोगों ने बात की थी ना कि लिस्ट, हम यहाँ पे पाइथन में इसलिए करते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। पाइथन में यू कुड हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ एनी टाइप, हेटरोजेनिटी, वेरिएबल लेंथ, एसेंशियली वी हैव डन ऑल ऑफ दैट नाउ इन सी प्लस प्लस, बट इट टुक अस लाइक अ मंथ और सो। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो नाउ वी हैव एवरीथिंग अदर देन हेटरोजेनिटी। हेटरोजेनिटी मैंने आपको बता दिया कि उसका कोई इलाज सी प्लस प्लस में एज सच नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी कॉमन यूज केस, तो कोई मसला भी नहीं है। ठीक है जी, आप हेटरोजेनिटी बना सकते हैं। It has a horrible syntax, उसके साथ बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, but you can still do it. It's not very often used, so इस वजह से उसका कोई मसला इतना नहीं। यहाँ तक सही हो गया जी? Okay. So you have the string list, इसके अंदर आप दो push कर सकते हैं, इसको print करें, pop करें, print करें, जिस तरीके से आप list को इस्तेमाल करते रहे हैं, you have the same interface. So 16B. So you have a list. 515, उसमें से पॉप किया 5 आ गया। यू हैव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, जो कि स्ट्रिंग की आपने लिस्ट बनाई। यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ स्टूडेंट लिस्ट एज वेल, जो कि स्टूडेंट क्लास की होगी, यू कैन आउटपुट दैट। और यहाँ पे आप उसको पॉप किया तो पॉप एसेंशियली वर्क्स द सेम एज वेल। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट अ जेनेरिक टेम्पलेट, और जेनेरिक के हिसाब से फिर आप बाकी सारा काम करते हैं। जिसमें यहाँ पे जो हमने चीज बनाई हुई है, दिस काइंड ऑफ अ स्टैक। ठीक है, कल को जाके हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ये लीफो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हम जाके फीफो बना सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर वंस एंड देन यू गेट दैट स्ट्रक्चर फॉर फ्री फॉर ऑल द डेटा टाइप्स बिकॉज यू मेड इट जेनेरिक। ठीक है, तो एक दफा क्यू बनाएंगे, एक दफा स्टैक बनाएंगे, इस तरीके से आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे आप एक दफा बनाएंगे। यू इंप्लीमेंट इट वंस एंड देन यू गेट इट फॉर ऑल द डाटा टाइप्स फॉर फ्री। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में जो भी आप डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे यू कोड देम वंस यूजिंग जेनेरिक्स एंड देन यू आर सेट फॉर योर होल लाइफ। ठीक है, अनलेस यू कम अप विद अ न्यू डाटा स्ट्रक्चर, तो वो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव दिस टैग एंड यू मेक इट जेनेरिक, तो कल को आपने जो भी चीज टैग के अंदर डालनी हो, यू कैन डू दैट यूजिंग द सेम पीस ऑफ कोड। ठीक है जी, अनलेस यू हैव अ बग। ठीक है, तो उसको फिर सही करेंगे। यहाँ तक बात ये हो गई जी? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था नेम स्पेसिस का, दैट इज नॉट ऑफन यूज, उससे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, लेकिन उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। देन यू हैव फंक्शन टेम्पलेट्स, जो कि मॉडर्न लैंग्वेजेस में इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, सी प्लस प्लस में होती हैं इस्तेमाल, लेकिन देर सो क्लास टेम्पलेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि सिंपली यू चेंज द स्पेसिफिक डाटा टाइप टू अ प्लेस होल्डर, जनरलाइज उसको कर देते हैं, एंड देन यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिंटैक्स। ठीक है, फायदा आपको जरूर पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, सिंटैक्स भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है।
ठीक है, लेकिन सिंटेक्स भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर प्रैक्टिस वंस तो वो चीज़ हो जाएगी। पिछली क्लास वाली प्रैक्टिस किसी ने की है? पिछली क्लास में डब्ल्यू किया, कुछ भी नहीं किया, बाहर में अपना काम नहीं, मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। एनीवे, सो अभी टाइम है इस, ये जो क्लास वाली चीज़ है अपनी, जो आप लोगों ने असाइनमेंट की है उसको ओपन करें और उसको जनरलाइज करें अभी, ठीक है? जो क्लास आप लोगों ने लिस्ट की इम्प्लीमेंट की थी उसको अभी ओपन करें और उसको अभी आधा घंटा है उसको अभी बैठ के जनरलाइज करें। जी समझ आ गई कि करना क्या है? उसको जेनेरिक बनाएं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग और इंट के लिए किया है, दोनों करके बताएं, ठीक है जी? इट शुडंट टेक यू टू मच टाइम।